ओ भाई साहब क्या था ये, मैंने ये क्या देख लिया यार, ये लियो का ट्रेलर था या फिर किसी तूफान का आने का पैगाम। इतने दिनों से जो हाइप क्रिएट हो रही थी भाई, ये उससे भी भयंकर है। लोकेश कनगराज ने क्या दिया है यार हमें, मैं सच बता रहा हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा नहीं था, बट भाई लोकेश कनगराज के लिए एक अप्लाउज तो बनता है। क्या कैमरा एंगल्स थी, क्या फाइट सीन्स थे और कितने ब्रूटल सीन थे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडियन ट्रेलर देख रहा हूँ यार। लोकेश कनगराज का डायरेक्शन और अनिरुद्ध का म्यूजिक, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना तो किसी जादू से कम नहीं है, और वही हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है। और यार थलापति विजय क्या लग रहे हैं, फ्रिकिंग बैडएस। मैंने विजय की लगभग सारी मूवी देख रखी है, बट इतना वाइल्ड परफॉर्मेंस मैंने अब तक नहीं देखा है। और जो उनका एक्शन था भाई, मजा आ गया देखकर। एक बंदे को तो लिटरली मुंह में घुसा कर मारा है और उसकी दांतें यूं बाहर आ रही थी भाई, कितना ज्यादा ब्रूटलिटी है यार। इसमें संजय दत्त और अर्जुन सारजा के होने के बावजूद भी पूरी लाइमलाइट थलापति विजय ले जाते हैं। और जो विजय का यंग वाला लुक है भाई साहब, उनका जो चार्म है ना भाई, वही अलग है। और इन सब चीजों को देखने के बाद मैं मूवी के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो चुका हूँ, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू वॉच माय थलापति। खैर अगर इन सब चीजों से आगे बढ़े तो ट्रेलर हमें कोई भी स्टोरी का हिंट नहीं देता है कि इस मूवी में क्या होने वाला है, पर स्टिल हियर आई हैव समथिंग फॉर यू। इस मूवी का स्टोरी तीन भाइयों के इर्द गिर्द घूमेगा, जिसमें एंटोनी दास सबसे बड़े भाई, फिर हरोल्ड दास और सबसे छोटे भाई लियो दास के बीच में। तो स्टोरी ये है कि प्रतिभन अर्जेस प्रथी अपनी फैमिली के साथ हिमाचल में सुख चैन से अपना जीवन बिता रहा है, बट किसी तरह से हरोल्ड दास एंड एंटोनी दास जो कि एक गैंगस्टर है बहुत बड़े, उन्हें पता चल जाती है कि लियो दास अभी भी जिंदा है। तो इस पर अटैक करवाना शुरू करते हैं और इसकी फैमिली को टारगेट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला जो कि ऑब्वियस है, लियो दास एक गैंगस्टर था और ये ट्रेलर के अंत में हमें पता भी चल जाता है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था। बट कुछ इंसिडेंट्स के कारण लियो ने ये सब छोड़कर फैमिली को चुना और हिमाचल में सुख चैन के जीवन बिताने लगा, एक अलग नाम और अलग पहचान से। बट वो कहते हैं ना कि चाहे आप जितना ही भाग लो पर बीते हुए कल से नहीं भाग सकते, एंड देन लियो को वही वापस गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए, विच रिमाइंड मी लिटिल बिट ऑफ जॉन विक। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि लियो दास अपना पिछला पूरा जीवन भूल चुका है किसी एक्सीडेंट के कारण, इसीलिए त्रिशा के कैरेक्टर इन सब से दूर लेकर चली जाती है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। बट समहाउ एंटोनी दास एंड हेरोल्ड दास को ये बात पता चल जाती है कि लियो दास अभी भी जिंदा है और उन्हें कोई रिवेंज लेना होगा लियो दास से, इसलिए वो उस पे अटैक कर रहे हैं और उनकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब लियो अपने शहर में आता है तो वो कहीं ना कहीं खोया खोया रहता है और काफी सहमा सहमा सा भी, और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, बट उसके सारे रिफ्लेक्सेस अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसी कारण वो इतनी रूथलेस फाइट कर पा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि एंटोनी दास और हेरोल्ड दास भी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन होने वाले हैं एंटोनी दास यानी संजय दत्त का कैरेक्टर। एंड वन मोर डिटेल, मे बी इस मूवी में त्रिशा कैरेक्टर मारा जाएगा, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सीन में विजय अपनी बेटी को अकेले लेकर बैठे हुए थे, विच रिमाइंड मी ऑफ विक्रम मूवी, और क्योंकि ये मूवी LCU की है तो इसमें भी इसकी बेटी पे फोकस तो रहेगी, क्योंकि कैथी में भी वही था, उसकी बेटी पे फोकस था, विक्रम में भी उसके पोते पर फोकस था, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लियो की बेटी पर भी थोड़ी बहुत फोकस रहेगी। और हाँ, इसमें तुम्हें विक्रम और रोलेक्स का कैमियो भी देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन में होगा, तो बी रेडी फॉर दिस। ऑल इन ऑल बोलूं तो भाई ये मूवी एक शानदार पैकेज होने वाली है, और इस बार का दुर्गा पूजा लियो के नाम होने वाला है, क्योंकि जितनी हाइप ये बना चुका है ना, ये होना ही है। विजय का इस मूवी में होना ही बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर तुमने बीस्ट मूवी देखी हो तो मूवी कुछ खास नहीं थी, बट फिर भी बहुत अच्छी कर गई। चाहे तुम बाईसू देख लो, उसमें भी कुछ खास स्टोरी नहीं था, बट स्टिल दैट मूवी वर्क्स वेरी वेल। और भाई इसमें तो लोकेश कनगराज का डायरेक्शन है, इतनी अच्छी स्टोरी है, एक पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, तो समझ लो ये मूवी क्या कांड करने वाली है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, ये मूवी ऑलरेडी 400 करोड़ कमा चुकी है अपने राइट्स को बेचकर, और जो SRK ने 1000 करोड़ का बेंचमार्क सेट किया है ना, ये उसे कंटिन्यू रखेगी। वेल, मैं तो इस ट्रेलर से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं, एंड मूवी के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, या फिर तुम एक्साइटेड हो या नहीं मूवी के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और यार अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, बी सेक्सी एंड कीप वाचिंग। सी के सिनेमैटिक यूनिवर्स।